समारोह में जहां एक ओर सेलिब्रिटीज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ सेलिब्रिटीज विवादों का सामना करते हुए भी देखे जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को लेकर अपने दिल की बात जाहिर करते हुए देखे जाते हैं उनके चाहने वाले। फिल्म इंडस्ट्री में अब तक कई हसीनाएं आ चुकी हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती और अपने दिलकश अंदाज के जरिए लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा मुखर्जी का। जी हां, तनुजा जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। आज तनुजा 78 साल की हो चुकी हैं। 78 वर्षीय तनुजा उम्र संबंधी समस्याओं से भी जूझती हुई नजर आती हैं, वहीं गंभीर बीमारी को मात भी दे चुकी हैं। तनुजा के स्वास्थ्य को लेकर भी फैंस हमेशा ही दुआ मांगते हुए देखे जाते हैं। तनुजा जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मी पर्दे पर राज किया और हमेशा ही फैंस को दीवाना करती हुई नजर आई हैं। लेकिन आज के समय में तनुजा फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई हुई हैं। अक्सर देखा जाता है कि टीवी रियलिटी शोज में बतौर स्पेशल गेस्ट जज बनकर पहुंचती हैं दिग्गज अभिनेत्री तनुजा और फैंस को आज भी दीवाना कर देती हैं अपनी बातों के जरिए। आज तनुजा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। सोशल मीडिया पर उनकी लाडली बड़ी बेटी काजोल हमेशा ही उनकी तस्वीरें वीडियो शेयर करती हुई नजर आती हैं। अपनी छोटी बेटी तनिषा के साथ वह भरपूर मस्ती करती हुई देखी जाती हैं। दोनों ही बेटियां तमाम तस्वीरें शेयर करती हैं और फैंस के बीच अपडेट देती हुई नजर आती हैं अपनी मां तनुजा के स्वास्थ्य को लेकर भी। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो तनुजा मुखर्जी की सेहत को लेकर भी आए दिन खबरें आती रहती हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज हम फिर से बात करेंगे तनुजा मुखर्जी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम Welcome to our channel Next 9 News. I'm your host and दोस्त प्रांशी राठौर। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं तनुजा की तबीयत के बारे में, कैसे उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर वह तमाम दिक्कतों का सामना कर रही हैं और इस दौरान उनका सहारा बनी हुई है उनकी दोनों ही बेटियां काजोल और तनिषा। वहीं दूसरी ही तरफ काजोल की आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार काजोल की आंखों से आंसू क्यों छलके हैं, बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्रियों में नाम शुमार है दिग्गज अभिनेत्री तनुजा मुखर्जी का। तनुजा मुखर्जी का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा है। कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं अपने फिल्मी करियर में। अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी दिलकश अदाओं और अपनी खूबसूरती के जरिए लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है अभिनेत्री तनुजा ने। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 1973 में बंगाली फिल्म निर्देशक शोमू मुखर्जी के साथ शादी के बंधन में बंधी थी तनुजा मुखर्जी और शादी के कुछ सालों बाद दो बेटियों काजोल और तनिषा को जन्म दिया। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही तनुजा मुखर्जी और शोमू मुखर्जी एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी भी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया था, लेकिन 10 अप्रैल साल 2008 में गंभीर बीमारी के चलते शोमू मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जहां एक ओर तनुजा ने अपने पति को खो दिया, वहीं कुछ सालों पहले ही तनुजा मुखर्जी एक गंभीर बीमारी का शिकार भी हो गई। बता दें आपको, कुछ सालों पहले ही पेट में तेज दर्द होने की वजह से उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और जांच के दौरान सामने आया कि वह एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई हैं। इस बीमारी का नाम था डायवर्टिकुलाइटिस। जी हाँ, इस गंभीर बीमारी का वह शिकार हुई थी। इस बीमारी के बारे में बातचीत की जाए तो 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ये बीमारी होती है। यह समस्या कॉलन की एक सामान्य स्थिति है
जब डायवर्टिकुलम में सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। उस दौरान उसे डायवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। ये बीमारी अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेहद आम है और उसी गंभीर बीमारी का शिकार तनुजा मुखर्जी हुई थी। उस बीमारी के चलते तनुजा मुखर्जी की हालत काफी दर्द भरी हो गई थी। हर मुश्किल वक्त में, हर दर्द भरे दौर में उनकी दोनों बेटियां उनके साथ खड़ी रहती हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही तनुजा मुखर्जी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 78 साल की हो चुकी हैं तनुजा मुखर्जी और तनुजा मुखर्जी की दोनों बेटियों ने उनका जन्मदिन बेहद शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया। 23 सितंबर के दिन तनुजा मुखर्जी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं। उस दौरान की बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई, अपनी बेटियों के साथ भरपूर मस्ती करती हुई देखी गई। लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी एक वीडियो भी सामने आई, कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें देखने को मिला कि तनुजा मुखर्जी को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। दरअसल व्हील चेयर पर बैठी हुई नजर आई थी दिग्गज अभिनेत्री तनुजा। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे तनुजा मुखर्जी की हालत, व्हीलचेयर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं और आगे आगे उनकी दोनों बेटियां चल रही हैं। अपनी मां को परेशानी में देखकर काजोल और तनिषा काफी ज्यादा चिंतित रहती हैं। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर मां बेटी की प्यारी सी जोड़ी को स्पॉट किया गया। तनुजा व्हीलचेयर पर बैठी हुई नजर आई और तनुजा का खास ख्याल रखती देखी गई उनकी दोनों बेटियां। दरअसल एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इस वजह से तनुजा व्हीलचेयर पर बैठ गई। दरअसल वह इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती थी, इतने लंबे रास्ते वह नहीं चल सकती थी। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और उन्हें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। उस दौरान अपनी मां का पूरा ख्याल रखती हुई नजर आई काजोल। अपनी मां की काफ़ी मदद की जब वह कार में बैठने को खड़ी हुई। अपनी मां की काफ़ी सहायता करती हुई देखी जाती है काजोल। अपनी मां के बेहद करीब हैं काजोल और तनिषा। जहां एक ओर तनुजा की ये हालत देखने को मिली तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस भी अपने अपने रिएक्शंस देते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर काजोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हाल ही में काजोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। जी हां, सोशल मीडिया पर दुर्गा पूजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी काजोल पूरी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन इसी दौरान काजोल काफी इमोशनल होती हुई नजर आई हैं। इमोशनल होने की वजह आखिरकार क्या है, काजोल की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में देखने को मिला है कि काजोल जैसे ही अपने अंकल को देखती हैं, उनसे मिलती हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह अपने अंकल से लिपट कर रोने लगती हैं। काजोल का ये वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार रिएक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं। काजोल अपने अंकल को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। अपने अंकल को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े हैं और इसी वजह से काजोल दुर्गा पूजा में इमोशनल होती हुई नजर आई हैं। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि काजोल यहाँ पर पिंक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं। काजोल ने इस खूबसूरत साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरीज कैरी की हुई हैं। काजोल जहाँ एक ओर दुर्गा पूजा के दौरान सभी के साथ मस्ती करती हुई नजर आई हैं, वहीं अपने करीबी रिश्तेदार अपने अंकल को देख कर वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। काजोल का ये इमोशनल वीडियो काफ़ी पसंद करते हुए नजर आ रही हैं उनके फैंस। काजोल को देखने के बाद अपने अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि तनुजा मुखर्जी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। वहीं दूसरी ही तरफ उनकी दोनों ही बेटी उनका सहारा बनी हुई हैं और इसी बीच देखा गया कि काजोल इमोशनल होती हुई नजर आई। ये सारी बातें हमने आपको बताई हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। आप क्या कहते हैं यहाँ पर दिग्गज अभिनेत्री तनुजा के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।